Hi, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to solve question number 3 to onward. In previous video, हमने question first और second solve किया है, ठीक है? From practice set 7.2. So आज हम देखते हैं question number 3. Let's see. The boxes are to be filled with apples in a heap. Boxes में apples भरे हैं, okay? If 24 apples are put in a box. एक बॉक्स में 24 apples भरते हैं, तो then 27 boxes are needed. तो 27 boxes हमें required है, need है. अगर एक बॉक्स में हम 24 भरते हैं. So let's see next condition. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? अगर हम 36 apples fill करते हैं एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स लगेंगे? अब देखिए 24 एप्पल्स भरते हैं तो 27 लगते हैं. अब 36 हो रहा है, मतलब एप्पल्स बढ़ रहे हैं, एप्पल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीजेस, करेक्ट? अब ये 27 है, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा. इट मींस इनवर्सली वैरी हो रहा है. यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? इनवर्सली वैरी. ओके, अगर नंबर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज, सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज इन दिस वे. ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. दिस क्वेश्चन, लेट कंसीडर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स. ओके, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एप्पल्स, वाई रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड. ओके, कितने बॉक्सेस लगते हैं उसको कंसीडर कर लेंगे वाई. ओके, सो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स आर वेरिंग इनवर्सली विद द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. ऑब्वियसली अभी बोला मैंने, वही यहाँ पे लिखा है मैंने. ओके, इन दिस वे. सो कंडीशन देखिए, इनवर्सली वेरी मतलब एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई. सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे उसको, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई. ओके, सो इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लिखते. लेट सी एक्स इक्वल टू के इंटू वन अपॉन वाई. ये जो इनवर्सली वेरिएशन है, इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लिखा है. ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला वाई है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में वाई है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई विथ एक्स. सो देखिए अच्छे से हमें एक इक्वेशन मिलता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के. ये जो इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, अब इसमें देखिए हमें गिवन है फर्स्ट कंडीशन में एक्स और वाई, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस भी गिवन है. सो यहाँ पे के क्या है? के है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ओके, सो लेट्स सी वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड. तो इसमें x इक्वल टू 24 और y इक्वल टू 27 पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. इक्वेशन फर्स्ट में अगर x इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 27 पुट करते हैं तो हमें k की वैल्यू मिलती है. लेट्स सी 24 इंटू 27 इज इक्वल टू k. अब देखिए 24 इंटू 27 मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 24 इंटू 7 168, 8, 16 कैरी, 24 इंटू 2 हमें मिलेगा 48, 48 प्लस 16 हमें मिलेगा 64. इन दिस वे k इक्वल टू 648 मिलेगा. ये जो k की वैल्यू है पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. इक्वेशन फर्स्ट है x इंटू वाई इज इक्वल टू के. सो k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन, लेट्स सी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 648. ये जो 648 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम सेकंड वन कंडीशन में नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करने वाले, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है इन वन बॉक्स. कितने हैं? 36 है. लेट्स सी, इसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोलते हैं हम, ठीक है? सो सेकंड वन देखिए, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड व्हेन 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन ईच बॉक्स. एक बॉक्स में अगर 36 एप्पल्स हम फील करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें कितने बॉक्सेस लगते हैं, कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड है, ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड वन इक्वेशन जो हमने अभी जनरेट किया है. सो लेट्स सी व्हेन x इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू हाउ मच?
विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड वन इक्वेशन। सो हमें मिलेगा 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 648, क्योंकि एक्स रिप्लेस बाय 36 नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके सो यहाँ पे जो 36 है मल्टीप्लाई विथ वाई, अगर राइट साइड शिफ्ट करते हो तो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू 648 अपॉन 36, इसको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। लेट्स सी, 6 6 आर 36, करेक्ट, 6 10 आर 60, 6 10 आर 60, रिमेनिंग कितना है वहां पे, 48 है, 6 8 आर 48, तो कितना मिला, 108 डिवाइड 6, सो 6 1 आर 6, ओ 1 मिनट, 6 8 आर 6 1 आर 6, 6 1 आर 6, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 में से 6 गए तो 4 रहता है, इट मींस 48, सो 6 8 आर 48 इन दिस वे। ओके कितना मिला, y इज इक्वल टू 18 मिला है, तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, चलो इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। ओके और लाइक दिस वी कैन राइट y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे y क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, अगर हम नंबर ऑफ एप्पल्स 36 फिलिंग इन वन बॉक्स देन वी विल रिक्वायर्ड 18 बॉक्सेस। ओके वी कैन राइट इन सेंटेंस लाइक दिस, इफ 36 एप्पल्स आर फिल इन अ बॉक्स देन 18 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। ये हो गया आंसर थर्ड वन क्वेश्चन का। लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का सिंबल यूज करके हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखना है। लेट्स सी फर्स्ट वन स्टेटमेंट, द वेवलेंथ ऑफ साउंड, इसको डिनोट करेंगे एल से, स्मॉलर एल से। ओके एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, आर इन इनवर्स वेरिएशन, इसको सिंबॉलिकली लिखना है, सिंबल ऑफ वेरिएशन। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है इनवर्स वेरिएशन, सो हमें इनवर्स वेरिएशन में लिखना है, जो बोला है वही लिखना है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन इज L where is inversely as f, we can write like this, okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वन, ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना, हो गया इसका आंसर ही हो गया, ठीक है। सो लेट्स सी सेकंड वन स्टेटमेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेर इज इनवर्सली विद द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। ओके इंटेंसिटी ये मैंने आई डिनोट करेंगे इंटेंसिटी, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे डी का स्क्वेयर लिखना है हमें ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। सो सॉल्यूशन देखिए, इन सिंबॉलिकली इनवर्स वेरिएशन आई वेर इज इनवर्सली एज डी स्क्वेयर। ओके हो गया आंसर, इतना ही लिखना था इन दिस वे। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फिफ्थ वन, एक्स वेर इज इनवर्सली एज स्क्वेयर रूट ऑफ वाई एंड वेन एक्स इक्वल टू 40 देन वाई इज इक्वल टू 16, इफ एक्स इक्वल टू 10 देन फाइंड द वाई। लेट्स सी यहाँ पे गिवन है, कंडीशन है वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन है, एक्स वेरी होता है इनवर्सली एज स्क्वेयर रूट ऑफ वाई। ओके कंडीशन गिवन है, वही फॉलो करनी है हमें। यहाँ पे एक्स गिवन है, अगर एक्स 40 लेते हैं तो वाई हमें मिलता है 16, इफ एक्स अगर 10 लेंगे तो वाई कितना मिलता है ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, कंडीशन तो गिवन है एज इट इज, कंडीशन है एक्स वेर इज इनवर्सली एज स्क्वेयर रूट ऑफ वाई। सो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमें एक्स इक्वल टू के इन टू 1 अपॉन स्क्वेयर रूट वाई, ये जो स्क्वेयर रूट वाला वाई शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो हमें मल्टीप्लाई बन जाएगा एक्स है। सो हमें अच्छे से एक इक्वेशन मिलेगा, लेट्स से इक्वेशन एक्स इंटू स्क्वेयर रूट वाई इज इक्वल टू के, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वहां पे के इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके अब इसमें क्या करना है हमें, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, एक्स इक्वल टू 40 पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे। ओके एक्स इक्वल टू 40 एंड वाई इज इक्वल टू 16, अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। सो लेट्स सी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट 40 इंटू इन स्क्वेयर रूट 16 इज इक्वल टू के। अब देखिए स्क्वेयर रूट 16 है, 16 इज परफेक्ट स्क्वेयर, ओके स्क्वेयर ऑफ 4, तो स्क्वेयर रूट 16 के जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, करेक्ट ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, 40 इंटू 4 इज इक्वल टू के, या वी कैन से के इज इक्वल टू 40 इंटू 4।
ओके सो 40 इंटू 4, 4 इंटू 4 60, 0 एज इट इज, सो के की वैल्यू मिलती है हमें 160। ये जो 160 है के, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो लेट सी, हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा, क्या मिलता है इक्वेशन फर्स्ट, लेट सी, एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 160। ये जो इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे नंबर सेकंड देंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमें क्या करना है अभी, वाई फाइंड आउट करना है सेकंड वन कंडीशन के लिए। ओके सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हमें वाई फाइंड आउट करना है। वेन एक्स इक्वल टू 10 है तो y फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 10 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड लेट्स सी, x इनटू रूट y इज इक्वल टू 160। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड y, सो लेट्स सी इन इक्वेशन सेकंड 10 इनटू रूट y इज इक्वल टू 160। अब यहाँ पे देखिए 10 जो है मल्टीप्लाई विथ रूट y, अगर राइट साइड शिफ्ट करते हो तो आप जाएगा वो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, रूट y इज इक्वल टू 160 डिवाइड 10 मिलेगा। ओके इन दिस वे। अब यहाँ पे देखिए 0 0 गेट कैंसल, कर दू बाय हैंड कर देता हूँ, 0 0 गेट कैंसल, सो कितना मिल रहा है हमें, 16 मिल रहा है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे रूट वाई इज इक्वल टू 16 मिल रहा है, रूट वाई इज इक्वल टू 16 मिल रहा है, मतलब हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वेयर करना है। हमें जस्ट क्या चाहिए यहाँ पे, सिंगल वाई चाहिए, रूट वाई नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हमें y चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वेयर करना पड़ेगा, जो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर गेट कैंसल, और इसका स्क्वेयर 16 का स्क्वेयर कितना होता है पता है आपको, सो लेट सी y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 256। इन दिस वे स्क्वेयर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 16 है, देन टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड वी विल गेट y इज इक्वल टू 256। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एक्स इक्वल टू 15 देन वाई इज इक्वल टू 10, इफ एक्स इक्वल टू 20 देन वाई इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए इनवर्सली वेरिएशन है यहाँ पे, एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई, फर्स्ट वन कंडीशन है एक्स अगर हम लेते हैं 15 देन वी विल गेट वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड वन कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है वाई अगर हम एक्स लेते हैं 20। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन इज एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई गिवन है, सिंबॉलिकली लिख दिया। सो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो हमें इक्वेशन मिलेगा लेट्स सी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है एक्स इक्वल टू 15 देन वाई इज इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, एक्स और वाई पुट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी ना, मिल जाएगी, ठीक है। सो के की वैल्यू मिल जाएगा हमें, लेट्स सी एक्स इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू पुट करेंगे इसमें तो हमें के की वैल्यू मिलती है, लेट्स सी 15 इंटू 10 इज इक्वल टू के, सो 15 इंटू 10 कितना होता है 150, 150 इज इक्वल टू के, इट मीन्स के इज इक्वल टू 150। ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ओके सो इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा हमें एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 150, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वाई ऑफ सेकेंड कंडीशन। ओके दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 20, पुट एक्स इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड। सो लेट्स सी इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद हमें मिलेगा 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 150। सो यहाँ पे 20 देखिए मल्टीप्लाई विथ वाई है, अगर राइट साइड शिफ्ट करते हो आप जाएगा डिनोमिनेटर चला जाएगा, करेक्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, 150 अपॉन 20, सो इसको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, इट मीन्स 0 0 गेट कैंसल, सो हमें मिलता है 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, सो 15 का हाफ कितना होता है 7.5, सो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 7.5। इन दिस वे थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ओके इसको इरेज करके वी विल गेट y इज इक्वल टू 7.5 व्हेन y x इज इक्वल टू 20। इन दिस वे वी कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड, इफ एनी डिफिकल्टी लेट मी नो, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।